पालक मशरूम बनाने के लिए मैंने 2 बड़ा चम्मच सरसों का तेल गरम कर लिया है और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच जीरा। तो ये देखिए जीरा बढ़िया क्रैकल हो रहा है, तो ये देखिए जीरा बढ़िया क्रैकल हो गया। तब मैं इसमें डाल रही हूँ प्याज, 2 प्याज लिए थे इसे मैंने एकदम बारीक चॉप कर लिया है और प्याज को मीडियम आँच पर 2 से 3 मिनट भून लेंगे। तो ये देखिए प्याज को मैंने 2 से 3 मिनट भून लिया, हल्का सा कलर अभी चेंज हो गया है और अब मैं इसमें डालूंगी फ्रेश कूटा हुआ अदरक और लहसुन। ये देखिए 7 से 8 कलियाँ मैंने लहसुन की ली थी और 1/2 इंच का टुकड़ा अदरक का लिया था, इसे मैंने फ्रेश कूट लिया है। चाहे तो पेस्ट भी डाल सकते हो, इसे भी मैं 2 मिनट भून लूँगी। तो ये देखिए अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद में मैंने भून लिया है 2 से 3 मिनट मीडियम आँच पर। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच, 2 चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ धनिया पाउडर, ये देखिए, और मिर्च डाल रही हूँ मैं इसमें 1/4 चम्मच। मिर्च आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हो। तो धीमी आंच पे मैं मसाले को 1 मिनट भून लूँगी क्योंकि कढ़ाई काफ़ी गर्म है, तेल भी गर्म है तो मसाला बढ़िया भून जाता है, अच्छी खुशबू भी आने लगी है। देखिए तो ये देखिए मसाला बढ़िया भून चुका है और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 चम्मच हींग। हींग का फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। ये देखिए अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है और अब मैं इसमें डाल दूंगी पालक की प्यूरी, ये देखिए, साथ ही अब मैं इसमें मशरूम भी डाल दूंगी। ये लगभग 200 ग्राम मशरूम है जो एक पैकेट आता है, पूरा मैंने पैकेट लिया है और मैंने 2 बंच पालक के लिए थे। इसे मैंने पालक को अच्छी तरह से पहले धोया, साफ किया बढ़िया और उसके बाद में मैंने 5 मिनट पानी में उबाल लिया था, थोड़ा सा ही पानी डाल के मैंने उबाल लिया था और उसमें उबालते वक्त कुछ भी नहीं डाला था। इसलिए अब मैं इसमें डालूंगी नमक और ये सारी चीज़ें बढ़िया साथ में पक जाएगी। पालक क्योंकि पहले ब्लांच तो हो ही चुका है तो मशरूम भी अभी पक जाएगा और मशरूम ये मसाले के साथ में पकता है तो उसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच सेंधा नमक, आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हो, ये देखिए, और अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे सभी चीज़ों को, ये देखिए। तो ये देखिए बढ़िया उबाल आ चुका है, आप देख सकते हो। और अब मैं धीमी आँच पर पालक और मशरूम को लगभग 8 से 10 मिनट पकाऊँगी क्योंकि सारा फ्लेवर अच्छी तरह से दबी मशरूम में भी आएगा। मशरूम अभी कच्चे ही डाले हैं मैंने, वो भी पक जाएगा और पालक को ब्लांच तो किया था लेकिन उसे भी हमें पकाना ज़रूरी है। तो सारी चीज़ें बढ़िया एक साथ पकेगी, बीच बीच में हम चेक करते रहेंगे। तो अभी मैं ढक देती हूँ, गैस की आंच बिल्कुल धीमी रखनी है। तो ये देखिए पालक और मशरूम की सब्जी को पकते हुए लगभग 8 से 10 मिनट हो चुके हैं और धीमी आंच पे मैंने पकाया है और आप देख सकते हो कितनी बढ़िया हमारी ये पालक मशरूम की ये सब्जी तैयार हुई है। और ये देखिए कितनी बढ़िया स्मूथ से दिख रही है, एकदम चिकनाहट दिख रही है और मशरूम भी बढ़िया पक चुके हैं। ये देखिए मशरूम को पकने में ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। तो अब मैं इसका और टेस्ट बनाने के लिए इसमें फ्रेश मलाई डाल रही हूँ, चाहे तो अब जो मार्केट की क्रीम मिलती है वो भी डाल सकते हो। तो मलाई को मैंने फेंट लिया है बढ़िया, तो ये देखिए घर की फ्रेश मलाई है, अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। मलाई डालने से बहुत ही बढ़िया टेस्ट आ जाता है इस ग्रेवी में, ये देखिए। तो ये देखिए पालक और मशरूम की सब्जी हमारी बिल्कुल तैयार है लेकिन इसका टेस्ट अभी और बढ़ना है क्योंकि इसमें लगेगा गार्लिक का तड़का। तो ये देखिए मशरूम पालक की सब्जी को मैंने बाउल में निकाल दिया है और अब मैं इसे लगा रही हूँ गार्लिक का तड़का, जिससे सब्जी का टेस्ट बहुत ही बढ़ जाता है, 4 चांद लग जाते हैं। तो ये देखिए तड़का लगाने के लिए मैंने 2 चम्मच तेल डाल दिया है और अब मैं इसमें डाल रही हूँ गार्लिक। तो मैंने 3 से 4 गार्लिक लिया था और इसे मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है, ये देखिए अच्छी तरह से भून रहा है। और साथ ही मैं डाल रही हूँ 2 सूखी लाल मिर्च, इसे मैंने थोड़ा सा कट कर लिया है और इसे हल्का सा कलर चेंज करने देते हैं लहसुन को, बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करेंगे। तो ये देखिए गार्लिक का कलर बढ़िया हो चुका है, हल्का सा गुलाबी। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ये देखिए जिससे लुक आएगा बिल्कुल ढाबे वाला। ये देखिए तड़का बिल्कुल तैयार है, लग चुका है। तो ये देखिए पालक मशरूम वाली सब्जी को मैंने गार्लिक का तड़का लगा दिया है और आप देख सकते हो कितनी बढ़िया दिख रही है और टेस्ट तो इसका बहुत ही बढ़िया हो जाता है, एकदम दुगना हो जाता है। और इसके साथ में आप रोटी खा सकते हो, पराठा खा सकते हो, नान खा सकते हो, तंदूरी रोटी के साथ तो ये बहुत ही टेस्टी लगती है और राइस के साथ भी बहुत टेस्टी लगती है। तो आप भी इस आसान सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा।